दर्शना मिनी गार्डन थियेटर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पर्चुलका प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें उसे किस तरीके से ग्रो करना है, कटिंग से कैसे ग्रो होता है, उसको किस तरीके के प्लांट में लगाना चाहिए, क्या क्लाइमेट उसे पसंद है और उस पर क्या फर्टिलाइजर देना है, इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आप अगर पहली बार इस चैनल में आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं तो मुझे मिनी गार्डन क्रिएटिव में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज पर्चुलका। पर्चुलका एक ऐसा सर्कुलेंट प्लांट है जिसे हम 9 o'clock भी कहते हैं। 9 o'clock इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूरज निकलने के बाद ही ये फ्लावर खिलते हैं। 9 बजे आपको सूरज निकलेगा और ये फ्लावर अपने आप खिल जाते हैं। इस प्लांट की खासियत यह है कि वो छोटे से छोटे प्लांटर में भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं। आप ये देखिए, मैंने एक छोटे से ऐसे टायर है उसमें इतने सारे मेरे मॉसर्स लगे हैं, इसको इतनी अच्छे तरीके से फैल गए हैं वो, कि मतलब जब ये फूल खिलते हैं तो इतने सुंदर दिखते हैं। इसकी जो रूट्स होती है ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटी होती है, इसलिए हम इसे छोटे से प्लांटर में भी इसे ग्रो कर सकते हैं। हम इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगाएं तो भी ये बहुत सुंदर लगते हैं। हम इसे आसानी से कटिंग के थ्रू भी इसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इतनी सी कटिंग ली और इस कटिंग को मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब ये कटिंग 2 दिन में ही इसमें रूट्स डेवलप हो जाएगी। इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं हम। इसको जितना चाहे हम उसको एक डगान से हजारों प्लांट बना सकते हैं। डेवलप होने लगेगी इससे, हम बहुत सारे अलग अलग प्लांटर को अलग अलग एक प्लांटर में भी लगा सकते हैं तो इससे बहुत सुंदर लगते हैं। अगर हमको अलग अलग उसको कलर उसको चेंज करना है तो हम अलग एक एक प्लांटर में हम उसे अलग अलग ग्रो कर सकते हैं। ग्रो करने के बाद हम आते हैं इसकी वाटरिंग पे। वाटरिंग उस पानी को ज़्यादा नहीं होना, ये एक सर्कुलेंट प्लांटर होता है इसलिए इसमें पानी भरपूर मात्रा में इस प्लांट में ही होता है। इसे पानी कम होगा तो भी चलेगा, अगर हम उसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये प्लांट खराब होने लगता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो ड्रेनेज होल है वो अच्छी तरीके से होने चाहिए। अगर पानी इसमें जमा रहेगा तो उसकी रूट्स खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये पानी कम रहेगा तो उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी और प्लांट भी आपका हेल्थी रहेगा। तो अब हम इस प्लांट के वाटरिंग के बारे में तो जान गए, अब हम इसमें क्या फर्टिलाइजर देना है इसके बारे में बात करते हैं। मैं इसमें अपने घर में बना हुआ ओनियन पिल्स का ही फर्टिलाइजर देती हूँ और उसको थोड़ा सा अपना यूरिया, 1 टेबल स्पून यूरिया और 1 बाल्टी पानी में उसे डाल के मैं अपने जो नॉर्मल अपन वाटरिंग करते हैं उस तरीके से उसको वाटरिंग उसको फर्टिलाइजर देती है। हर 15 दिन में मैं इसको वो यूरिया का फर्टिलाइजर आप दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से इसमें फ्लावरिंग होएगी। आप इसमें देखेंगे कि उसमें इतना डेवलपमेंट आता है, उसको फ्लावरिंग इतनी अच्छी तरीके से ये प्लांट करता है कि मैं बता नहीं सकती। मैं उसमें सिर्फ ये यूरिया का फर्टिलाइजर ही यूज़ करती हूँ और अपना ओनियन पिल्स का। मैं इसमें और कोई भी फर्टिलाइजर ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ। मैं नॉर्मल ये 2 फर्टिलाइजर से ही मेरे इन प्लांट में अपने फ्लावरिंग मेरी इतनी अच्छी हो जाती है। तो आप भी अपने इस प्लांट को 15 दिन में कभी यूरिया का प्लांट पानी दीजिए, लिक्विड फर्टिलाइजर 15 दिन में दीजिए, फिर उसके बाद में ओनियन का फर्टिलाइजर दीजिए 15 दिन बाद, फिर आप देखिए कि आपके प्लांट में कितने ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो अब बात करते हैं हम इसके सीज़न की। ये समर और रेनी सीजन फ्लावर करता है अपना। समर विंटर में इसमें ग्रोथ रुक जाती है, कोई फ्लावरिंग नहीं करता है। जैसे जैसे समर स्टार्ट होती है ये अपने अपनी जो ब्रांचेस है डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो आप
जब समर स्टार्ट हुए तो आप इसकी जो रूट्स जो टहनी होती है टगाने होती है उसको आप तोड़ तोड़ के आप उसका डेवलपमेंट चालू कर दीजिए। जो पुराने जो प्लांट है जो विंटर में जो खराब होने लगते हैं आप उस प्लांट को वो छोड़ के आप उसकी जो ब्रांचेस है आप उसको लगाएंगे तो आप देखिएगा कि इस प्लांट में जो पहले का जो प्लांट है बेबी प्लांट मतलब मदर प्लांट उसकी उससे ज्यादा जो आप कटिंग वाले प्लांट लगाएंगे आपको उसमें फ्लावरिंग ज्यादा मिलेगी। ये देखिए ये मेरा एक प्लांट जो होता है वो ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं करता है, हम उसकी ब्रांचेस अगर तोड़ के ये अगर अलग से डेवलपमेंट करें तो उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। वो पुरानी जो प्लांट की मदर प्लांट की जो रूट्स होती है वो उतनी पावरफुल नहीं रहती, जो कटिंग से हम जो प्लांट ग्रो करेंगे वो इतने अच्छे हेल्थी और इतने अच्छे फ्लावरिंग करते हैं, आप खुद इसका रिजल्ट देखिएगा। अब बात करते हैं हम इसके सॉइल की। सॉइल्ड इस प्लांट के लिए हमें बहुत ही हल्की और लाइट वेट होनी चाहिए। हम डायरेक्ट इसको मिट्टी में लगाते हैं तो उसमें नमी सी रहती है, नमी ना रहने के कारण क्योंकि ये पानी ज़्यादा एग्जिट नहीं कर मतलब उसमें ऑलरेडी इतना पानी होता है कि उसमें पानी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक समर प्लांट है इसलिए हमें इसमें इसकी मिट्टी को जो है ना लाइट वेट रखना है। मैं इसमें थोड़ी सी रेत मिलाती हूँ और आप को एक एडवाइस जरूर दूंगी कि आप अपने सारे प्लांटर में अपनी मिट्टी में एक वो जो धान होती है धान का भूसा आप उसको ऐड कीजिए, आप उसको ऐड कीजिए, आपकी जो मिट्टी है इतनी लाइट वेट होएगी ये जिसके कारण आपका प्लांट इतने अच्छे से ग्रो करेगा। आप उसको बहुत अच्छे से मतलब उसमें प्लांट में पानी प्लांटर में पानी पानी स्टोर नहीं रहेगा, ड्रेनेज हो जाएगा और हर 15 दिन में आप उसमें लिक्विड फर्टिलाइजर डालिए और फिर आप देखिए आपके प्लांट में कितने सारे फूल आते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो और प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको इसी तरह देती रहूँगी तो इसलिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।